नमस्कार, आप देख रहे हैं एचबीएन न्यूज। वैशाली प्रखंड के नवादा में एक 25 साल का युवक नहर में नहाते वक्त डूब गया। वहीं मौके पर पुलिस पहुंची, जहां उन्होंने एसडीआरएफ टीम को खबर किया। 3 घंटे बीत जाने के बाद भी जब एसडीआरएफ की टीम नहीं पहुंची तो लोग नाराज दिखे। वैशाली प्रखंड के दाऊद नगर पंचायत अंतर्गत नवादा ग्राम के शिव मंदिर के पास एक 25 साल का युवक अपने साथियों के साथ स्नान कर रहा था, तभी अचानक गहरे पानी में चले जाने के कारण वह युवक डूब गया। खबर लगते ही सैकड़ों लोग जमा हो गए और स्थानीय मलाहों और युवकों द्वारा बहुत ही प्रयास किया गया, लेकिन कोई पता नहीं चल पाया। पुलिस के पहुंचने पर एसडीआरएफ की टीम को खबर किया गया, लेकिन 3 घंटे तक बीत जाने के बाद भी एसडीआरएफ टीम के नहीं आने से लोगों में नाराजगी देखी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, एचबीएन न्यूज। नमस्कार, एचबीएन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूँ अवधेश कुमार। वैशाली जिले के वैशाली प्रखंड से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। एक नवयुवक लड़का जिसका उम्र महज 25 वर्ष था, और आपको एक और शॉक बात बता दे, आज से 10 दिनों पहले उसका शादी हुआ था। इसी क्या जोगिया कैनाल नहर है, इसी नहर में वह स्नान करने गया था, और स्नान करने के दौरान ही वह अचानक गहरे पानी में चले जाने के कारण डूब गया। यहाँ बहुत सारे लोग हैं, उनके परिजन जो है लगातार विलाप कर रहे हैं। बहुत सारे यहाँ लोग पहुँचे हुए हैं इस इंतज़ार में कि वह मिल जाए। एसडीआरएफ की टीम को भी खबर किया गया है, लेकिन अभी तक घटना के 3 घंटे हो गए, अभी तक एसडीआरएफ की टीम यहाँ नहीं आई है। हाँ, इतना है कि स्थानीय जो थाना है उनके कुछ कर्मी यहाँ आए हैं। आइए, यहाँ जो स्थानीय ग्रामीण हैं उन्हीं से जानते हैं कि आखिर घटना क्या घटी है। जी भैया, बताइए क्या हुआ। घटना अभी से 2-2.5 घंटा पहले 2-3 बच्चा पुल से नहा रहा था जी। अचानक उसमें से एक बच्चा कूदा है, कूदने के वक्त वह पानी में बैठ गया है जी। बैठने के बाद यहाँ का स्थानीय मलाह लोग को लोग सूचना दिया है, नाव जाल लेकर मलाह लोग आए हैं। काफ़ी प्रयास करने के बाद भी लाश का पता अभी तक नहीं चला है। कितना उम्र था लगभग? उम्र 20 के ऊपर है, 25 के अंदर है। कौन सा ये स्थान हुआ, जगह? नवादा शिव मंदिर है। नवादा शिव मंदिर, हाँ। आइए, और भी कुछ है उनसे जानते हैं। जी बताइए जी, घटना के बारे में बताइए। वही 3-4 बच्चे नहा रहे थे यहाँ पे, और नहाने के क्रम में जो है कि वो पानी उनी पी करके नीचे दब गए हैं। उसके बाद यहाँ के लोगों द्वारा जानकारी दिया गया है कि बच्चा डूब गया। उसने में यहाँ का जो लोकल मलाह लोग है वो यहाँ पे आए हैं, और आने के बाद उसकी खोजबीन कर रहे हैं नाव से, जाल से, लेकिन अभी तक कोई अता पता नहीं है। हाँ, अपने यहाँ स्थानीय जो भी लोग हैं वे अपने से भरपूर प्रयास कर रहे हैं। यहाँ कुछ जो नवयुवक हैं जो तैरना जानते हैं वे तैर कर भी जो है खोजने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अब तक किसी तरह का कोई अता पता नहीं चल पाया। आइए, एक नवयुवक है, मैं उन्हीं से जानना चाहूँगा। बहुत प्रयास करने के बाद भी अभी तक कोई अभी पता नहीं है। ये प्रशासन भरपूर सहयोग नहीं कर रही है। प्रशासन के क्या सहयोग है? कुछ भी नहीं है अब तक, नहीं आया अभी कुछ भी नहीं। प्रतिक्रिया क्या है? सुशासन के सरकार में क्या होगा? कुछ नहीं होने वाला। तो सुना आपने, अब चुनावी मौसम भी चल रहा है, ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार की यदि कोई कमी हो जाती है तो लोग खासे नाराज होते हैं, और इसका कहीं ना कहीं प्रभाव जो है वह चुनाव पर भी देखने को मिलता है। तो यही उम्मीद करेंगे कि एसडीआरएफ की टीम जल्द आए, और यहाँ जो बच्चे जिनका जिन जो नवयुवक हैं जो डूब गए हैं पानी में, उनकी सकुशल बरामद हो। एचबीएन न्यूज, अवधेश कुमार, वैशाली। एकता का राज चलेगा, हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा। मुश्किल इस राह में मुस्कान नहीं छोड़ूंगी, ऊंचाई की चाह में स्वाभिमान नहीं छोड़ूंगी। महुआ विधानसभा क्षेत्र के दोनों प्रखंड के अंतर्गत विभिन्न पंचायतों में पिछले 3 सालों से मेडिकल कैंप लगाकर लोगों की सेवा में तत्पर। कोरोना जैसे महामारी को आए हुए 5 महीने हो गए, जब शहर के सारे डॉक्टर और हॉस्पिटल बंद है, लेकिन इन्होंने इस संकट की घड़ी में भी लोगों की सेवा में लगे हुए हैं अपने अस्पताल के माध्यम से। पिछले 5 महीनों से कोरोना वायरस जैसे खतरनाक बीमारी से बचने के लिए लोगों के बीच साबुन, मास्क का वितरण और लोगों के बीच घूम घूम कर इस बीमारी के खिलाफ सजग रहने की सलाह दी।
महुआ विधानसभा क्षेत्र में मेडिकल कैंप के दौरान फ्री दवा का वितरण। क्यों करे विचार, ठीक तो है नीतीश कुमार। डॉक्टर आसमा परवीन, प्रदेश महासचिव जदयू बिहार, स्वभावी विधायक प्रत्याशी महुआ विधानसभा 126। संस्थान मिशा क्लिनिक प्राइवेट लिमिटेड, जौहरी बाजार, हाजीपुर, वैशाली।